हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑल फॉर यू में। दोस्तों, खेती से रिलेटेड ये मेरा चौथा वीडियो है, यानी कि पार्ट 4 है। अगर आप बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप आकाश जी के बातों को पूरी तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमने जो रिज बेड बनाया, इसकी मेड़े की हाइट आप देखो, हमने लगभग 1 से 1.5 फीट रखी हुई थी। ये पानी में दब के नीचे बैठ गया है, बराबर ना। और ये जो दूरी है, ये वाली रो से रो वाली दूरी हमने रखी थी 6 फीट, और ये वाली दूरी रखी थी हमने 5 फीट, पौधे से पौधा। हाँ, अब अगर आपको हम कहें तो ये वाला प्लॉट जो है ना, बारिश के कारण खराब हो चुका है, ठीक है। बारिश के कारण पिट चुका है पूरी तरह से, पर पिटने के बावजूद भी ये जिंदा है और कुछ ना कुछ रिटर्न पे है, ठीक है। ये लास्ट की 2 रो की हालत बहुत ही खराब रही, क्योंकि पानी का जो प्रेशर था, आप देखोगे तो ऊपर से लेकर इस तरह से ढाल है इसका, ठीक है। और हमने रिचार्जिंग के चक्कर में बेड कैसे बनाए, इस डायरेक्शन में, तो पानी के प्रेशर को रोका जाए, ठीक है। पानी एकदम से ऐसा ना रो इस तरफ बना दी तो धड़ाम से जाके निकल के बह गया, ठीक है। तो ये तो हम अभी आपको अरहर का बता रहे हैं कि ये साल में 2 बार कटती है और 5 साल तक लगातार चलती है। और इसके साथ में हमने लहसुन लगाया हुआ था नीचे, तो वो लहसुन, हरा लहसुन निकाल के हमने बरसात में बेच दिया और फिर हमारी केवल अरहर रह गई, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है पानी को रिचार्जिंग को लेकर हमने यहाँ पर जो काम किया है वो आपको हम बता रहे हैं कि पहले तो हमने ये देखा कि हमारे खेत का स्लोप इस ढंग से, ठीक है, तो हमने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में रिज बेड बनाए। और रिज बेड बनाए तो हमने मेड़े की हाइट 1 से 1.5 फीट कर दी थी, तो हमने पौधा उसके ऊपर लगा दिया, तो पौधा हमारा सुरक्षित है, क्योंकि 1 से 1.5 फीट की हाइट आप जब करोगे तो ये 2 फीट हो जाएगा, क्योंकि 1.5 फीट आप ऊपर हाइट बढ़ाओगे, 0.5 फीट ये और गहरा हो जाएगा। भाई इधर ही की मिट्टी निकाल के तो उधर करना है आपको, तो ये नाली बन जाएगी, तो नाली बनेगी तो क्या होगा, पानी बेड पे गिरेगा, नाली में आएगा। अब नाली में आएगा पानी, तो नाली से पानी कहाँ जाएगा, जहाँ पर ढाल होगा, तो ढाल तो है इस तरफ, तो इस तरफ तो जाने को रहा नहीं, तो जाएगा इस तरफ या इस तरफ, तो इस तरफ जाके हमने वहाँ पर इसको इस ढंग से बंद कर दिया। अभी आप जाओगे ना लास्ट में तो आप देखोगे इस तरफ भी बंद कर दिया और इस तरफ जा रहा है ये पानी, तो इधर भी हमने बंद कर दिया, ये तो पानी में जमा हो जाएगा। हाँ, तो इस नाले में पूरा पानी भरा रहा। एक बार के नाले में, लगभग एक बार में, अगर आपका 1 एकड़ लंबा खेत है, 200-300 फीट का रेडियस है, तो एक बार में कुछ नहीं तो कम से कम 50,000 लीटर पानी एक गड्ढे में आराम से बन जाता है ये नाले में, जब ये पूरा से अच्छा ठेल के भर जाता है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे ही पानी गिरता है तो पानी गिरेगा बेड पर खेत में, बेड पर गिरेगा नाले में आएगा, नाले का पानी नाले में रहेगा और बेड का पानी भी नाले में आ गया तो नाले में भरा रहेगा। अब नाले से उसको ढाल है इस तरफ, तो प्रेशर तो घलना चाहिए इस तरफ, लेकिन अब चूंकि ये पूरा ब्लॉक बना है तो प्रेशर को उसने रोक लिया और हर एक बेड का इंडिविजुअली प्रेशर रुक रहा है। इस वाले बेड का ये प्रेशर रुकेगा, इस वाले का ये प्रेशर रुकेगा, अगले का वो रुकेगा, हर एक का इंडिविजुअल, तो एक बेड पर सारे खेत का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, प्रेशर डिवाइडेड हो गया, बराबर ना। तो प्रेशर हमने डिवाइडेड कर लिया। दूसरा, इसको जाना इस डायरेक्शन में है और हमने दोनों और बंद कर दिया, दोनों तरफ जाने के लिए वो कर दिया, तो या तो ये इस तरफ जाएगा या इस तरफ जाएगा, और इस तरफ भी दोनों तरफ हमने बंद करके रखा है। तो पानी जो है ना ये खेत में ही रहेगा और ये प्रेशर से कहीं जाएगा भी नहीं, क्योंकि एक एक बेड का अपना प्रेशर है और एक बेड का अपना कितना प्रेशर होगा, ठीक है कि नहीं। जैसे अब मान के चलो पूरे खेत का फोर्स हो भाई कि अब यहाँ से ही जोर पड़ना है, तो वो तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन जब एक एक बेड का प्रेशर अपना इंडिविजुअली रहेगा तो वो तोड़ के नहीं निकलेगा। तो पानी हमारा साहब, खेत का पानी जो गिरता है वो खेत में ही जाके रह जाता है और ये रिचार्ज होता रहता है। अगर कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रही, 1-2 घंटे बारिश हुई तो ये भर गया, फिर अगले 3 घंटे में ये सारा सूख गया, एब्जॉर्ब हो गया। तो खेत में ही हमने एक एक ड्रॉप को रिचार्ज कर दिया। अब जब खेत से एक्स्ट्रा पानी होता है, जैसे मान के चलो 3 दिन तक लगातार बारिश गिर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करोगे, ये तो भर जाएगा, भरने के बाद तो ओवरफ्लो होगा। तो ओवरफ्लो होने के बाद हमने लास्ट में क्या ट्रेंच बनाई है, सभी खेतों के चारों तरफ लास्ट में 2 फीट गहरी नाली बनी हुई है, 2 फीट गहरी, 2 फीट चौड़ी, ठीक है। तो उसमें जाके ये पानी गिरेगा,
तो लगभग 10 लाख लीटर के आसपास अगर एक एकड़ के खेत पर 2 फिट गहरी और 2 फिट चौड़ी नाली बना देते हो तो एक बार में 10 लाख लीटर पानी उस नाली में बनता रिजर्व रहता, ठीक है। तो यहाँ से ओवरफ्लो होगा तो आराम से जाके नाली में धड़ाम से गिरेगा, तो नाली में वो चारों तरफ खेत के ही घूमता रहेगा, तो नाली में रिचार्ज हो गया। फिर उससे भी ज़्यादा ओवरफ्लो होगा, ठीक है, तो जाके हमने सारे खेतों को एक दूसरे से कनेक्टेड करके धान के खेत में जोड़ दिया, ठीक है। तो जब सबसे एक्सेस होगा पानी तो फिर धान के उसमें जाएगा, तो वहाँ हमारा उससे काम हो गया। फिर वहाँ से अगर एक्सेस होगा तो फिर जाके अभी हमें पिट बनाना था, इस साल आधा अधूरा रह गया वो काम, 50x20 का पिट में जाके उसको डाल देंगे। तो पानी पहली बात तो खेत से ही बाहर नहीं निकलना, क्योंकि अगर 3 महीने बारिश हो रही है तो ज़रूरी थोड़ी है कि 3 महीने की बारिश एक ही दिन में हो जाती है, थोड़ी थोड़ी होती है तो थोड़ी थोड़ी होती रहेगी, थोड़ा थोड़ा भरता रहेगा, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज होता रहेगा। अगर 2-3 घंटे लगातार हो गए या 2-3 दिन लगातार हो गए तो भाई एक्सेस हो जाएगा पानी, तो ट्रेंच में चला जाएगा, ट्रेंच से एक्सेस होगा तो पोल में चला जाएगा, तो 10 लाख लीटर आप पोल से, 10 लाख लीटर ट्रेंच से और बाकी खेत से, आप कुल मिला के अगर नॉर्मल बारिश हो रही है, मतलब लगातार नहीं हो रही, थोड़ा थोड़ा गिर रहा, तो एक बूंद भी, 1 लीटर भी पानी आप अपने खेत से बाहर नहीं जाने दोगे, ऐसी तगड़ी व्यवस्था हमने यहाँ पे कर। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि एक एकड़ से हमने लगभग कुछ नहीं तो 70 इंच की बारिश में 50 लाख लीटर पानी इस साल हमने रिचार्ज किया हुआ, और ये पानी सारा धरती के अंदर गया और उसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं कि 20 दिसंबर हो गया और अभी हमारे में इतना गड्ढा कर लो नीचे के खेत में पानी मिल जाएगा, कुएं में ही बहुत ऊपर है पानी। हाँ, तो अभी कंडी, और अभी मालूम क्या है, लगभग यहाँ पर 1.5 महीने से लगातार सिंचाइयाँ हो रही है, ठीक है, पानी निकाल निकाल के, मतलब अभी तक तो कुआ आधा हो जाना चाहिए था, ये कंडीशन आ गई है क्योंकि अब हम जनवरी के आसपास में खड़े हुए हैं, बराबर ना। तो लेकिन अभी हमारा कुआ मुश्किल से इतना किसका है बस था, जितना पड़ा था। अगर हैवी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आपको पोल और उससे रिचार्ज करना पड़ेगा ट्रेंच से, फिर आपको ये मेड़ा बंधन वाला सिस्टम नहीं करना, ये दोमट मिट्टी के लिए है और बलुई मिट्टी के लिए, जिनमें पानी धरती के अंदर जा सकता है। जो ब्लैक कॉटन सॉइल है, चिकनी हैवी मिट्टी है, उसमें ये सिस्टम लागू नहीं होगा, बाकी सभी तरह की मिट्टियों में ये लागू होगा। पानी उसमें करना है तो कैसे करना है? हाँ, बनना तरीका है उसका, हम थ्योरी में आपको दिखाएंगे कि उस मिट्टी को कैसे सुधार करके किया जा सकता है। तो यहाँ पे इस ढंग से हमने पानी रिचार्ज किया और हमारी फसल, हम मानते हैं कि पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, पर अगर आप इस फसल को बहुत अच्छे से नजर मार के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो अच्छी फसल है, ये अच्छी, इसको हम बिगड़ी हुई फसल मानेंगे। क्यों? क्योंकि बारिश यहाँ पर इतनी लगातार हुई है, इतनी लगातार हुई है, और उतनी बारिश में तो वैसे ही यहाँ की सारी फसलें किसी की भी नष्ट हो गई। कोई भी गांव के पटवारी को उठा के देख लो और उससे पूछो कि ऐसा कोई किसान बताओ जिसकी फसल बची है, तो सभी बराबर। और सोचो, बारिश तो हुई तो वैसे ही निपट जाना था, लेकिन हमने यहाँ पर और विपरीत परिस्थितियाँ क्रिएट कर दी कि पानी को और ठेल के भर दिया खेत में, उसके बावजूद भी हमारी फसल सुरक्षित है। तो इसका मतलब ये है कि आप अगर ढंग से काम करो, टेक्निक से, सूझबूझ से काम करो, तो आप दोनों काम कर सकते हो, विपरीत परिस्थिति में भी फसल को जिंदा रख सकते हो, प्रोडक्शन भी निकाल सकते हो और पानी को भी रिचार्ज कर सकते हो, वो हमने यहाँ पे किया। तो आप प्रैक्टिकली देख के अच्छे से समझ लो, और इसमें हमने लहसुन की भी फसल ले ली, तो हमारा जो खर्चा लगा वो तो हम निकाल के और 2020 में बैठ चुके हैं ऑलरेडी, अब ये हमारी जो है ना, जो भी है ये FD है, तो अब हमें इसे कैसे करना है? कटिंग तो समझ में नहीं आया, कैसे कटिंग करनी? कटिंग नहीं करनी साहब, आपको तो ये पूरी डालिया की डालियां काटनी है, वहाँ से नीचे से काटनी है। नहीं नहीं, यहीं से काट लो, जहाँ से फलियां नहीं लगी हैं। देखो ये जो है ना, वो यहाँ से काट लो, चने जैसे कूट ले, है ना, सूखे नहीं, कुछ नहीं है, आप सब काट के गट्ठा बना लो, जाके थ्रेसर में डालो। डंठल और जो मेन तना है वो खड़ा रहने दो, तो अभी ये देखो, ये ब्रांचिंग होने लगी, अभी से ये ब्रांचिंग होने लगी, ये ब्रांचिंग होके फिर झाड़ बन जाएगा, फिर जाके मई जून में आप काट लो, फिर जाके एक बार वो करके और दिसंबर जनवरी में फिर आ जाएगी। ज्यादा पानी नहीं गिरा तो इसका यील्ड कितना रहता? इसका यील्ड कम से कम 10 क्विंटल पे जाता है, एक एकड़ से, एक एकड़ इतने डिस्टेंस
हाँ इतने मतलब हाँ बना नहीं है। ये तो बना ही नहीं साहब, झाड़ ये झाड़ बनता है 10-12 फीट कम से कम, 10-12 फीट से कम नहीं झाड़। अभी तो ये क्या 5-7 फीट का है ये वाले झाड़, खैर उधर के थोड़े ज्यादा हाइट फीट का होगा तो 4-5 फीट अंदाजा देखोगे। जैसे ये फली है उसको यहाँ से ही काटो कच्चा में, वो तो बल्टी बल्टी ईयर नेक्स्ट सही उस पे आ जाएगा अगर बारिश बहुत ऐसा नहीं हुई तो, है ना। तो जो ब्रांचिंग है मटर खाद डाली हुई है तो ये बहुत स्पेशल अरहर है साहब। इसकी फली लंबी होती है, बोल्ड दाना होता है, कल आपको हमने इसी की दाल खिलाई थी, ठीक है ना। तो ये बहुत मतलब टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, इसका सीड भी आप खुद भी बना सकते हो। तो इसका हमारे पास बीज बैंक है, आप सभी लोग जो जिसको भी बीज चाहिए वो बीज आप लेके जाओ अपने यहाँ लगाओ और इसका बीज आप खुद भी मल्टीप्लाई करो, आपको दोबारा हमसे नहीं लेना है। बीज आपको लगाना जून जुलाई देखो, अगर आप चाहो तो नर्सरी में लगा सकते हो, नर्सरी में लगाओगे तो और फायदा होगा, क्योंकि वही वाला हाल जो लौकी का हमने बताया था कि बीज लगाया लगातार बारिश हुई वो पिट गया, तो बचपन ही में वो पिट जाता है तो फिर जवानी और बुढ़ापा उसका बहुत खराब होने वाला है। तो पहले बचपन में उसको मजबूत रखना ताकि जवानी और बुढ़ापा उसका मजबूत रहे, तो उसको नर्सरी में पहले तैयार कर लो। तो जब वो पौधा इतना हो गया फिर ट्रांसप्लांट करो तो क्या है वो मौसम की परिस्थितियों को झेलने के काबिल बन जाता है, फिर वो मजबूती के साथ खड़ा रह सकता है। साल में कितना बार काटा जा सकता है? दो बार हाँ दूसरे भी ले सकते हैं, हमने ली हुई है ऑलरेडी, ये तो बेड आधा बचा है, ये इतना बराबर यहाँ पर आप समझ लो मशीन रख के और पानी की सिंचाई कर सकते हैं, प्लेन में भी हो सकते हैं। बरसात में अपन लहसुन ले सकते हैं और इस सीजन में क्या ले सकते हैं बीच में? प्याज लहसुन नहीं, फिर इस सीजन में क्या ना छाया बहुत हो जाती है अच्छा और धूप ज्यादा चाहिए पड़ती है तो फिर मुश्किल होता है। अच्छा केवल उस सीजन में एक एक बस ले लिया और फिर इसका ही झाड़ इतना बन जाता है कि ये बहुत छाया कर लेता है, है ना। जैसे हम फरवरी में बिया लगाते हैं वो कब तक चलती है? फरवरी में लगाओगे तो वो जुलाई तक चलती है, जुलाई। तो समझ में आया, यहाँ पे आप देखो चारों तरफ अपना प्लांटेशन हमारे हर एक खेत को है, नीचे के खेत में जाओगे तो अलग, पूरी चारों तरफ बॉर्डर डली है, हर एक खेत में बॉर्डर डली हुई है। सर ये इसके साथ में इंटरक्रॉपिंग कुछ नहीं करते? नहीं इंटरक्रॉपिंग करते हैं, हमने चना बोया है, चना बो दिया ऑलरेडी उधर पे, जो रो में ज़्यादा मतलब छाया नहीं थी, मतलब छाया ज़्यादा छाया नहीं थी उसमें हमने चना ऑलरेडी बो दिया बीच वाले रास्ते में। छोटा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, पर आप काट दोगे ना मई जून में काट दोगे तो ये पौधा बिल्कुल एकदम झूठा हो जाएगा, डूठा हो जाएगा तो छाया नहीं रहेगी, तो आप फिर कर लो जैसे तो ये फिर से फ्लावरिंग पे आएगा पूरा स्टेज बनेगा तब तक वो फसल निकाल के बाहर हर साल कटिंग करते हैं। खाद वगैरह इसमें खाद वगैरह का थ्योरी नहीं इसमें डलेगा ना स्टार्टिंग में डलेगा फिर बीच में एक दो बार और देना तीन बार। हाँ एक बात और खास, अभी तक इसमें हमने लगभग 6 महीने के आसपास होने जा रहे हैं, जुलाई में किया था, एक भी स्प्रे नहीं किया, एक भी स्प्रे शाइनिंग मस्त, कोई भी स्प्रे नहीं हुआ, मतलब बहुत बढ़िया, ना तो नीम ऑयल का स्प्रे है, ना करंज ऑयल का स्प्रे है, ना ही कोई हमने जो बनाई दवाई है उसका स्प्रे, कोई भी स्प्रे नहीं। गुजरात में हमने ऐसा नहीं देखा है, वो तो कहीं नहीं देखा है सर, महाराष्ट्र में भी नहीं, मेरे जून जुलाई में लगा, एक साल में दो कटिंग में बदले वो तो छटक छटक रहा था, एक साल में देखो 4 फीट आपने 6 फीट के ऊपर हाइट आ रही है, इस तरह की ये चीजें हो रही हैं, तो इससे सीरियस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पत्ती से पौधे का भोजन नहीं बनने वाला, बराबर ना, ये पत्ती प्लांट की डेड पत्ती है, अगर कोई उड़ने वाला कीड़ा है वो इल्ली को भी खा रहा है और धोखे से उसने अगर एक छेद मार दिया आपकी पत्ती को खा लिया तो आपको ये नहीं सोचना कि अरे वो कीड़े लग गए इसको मारना है करके, बात समझ रहा ना, तो ये उसका भी हक है ठीक है, और इस पत्ती से भोजन बनना नहीं है पौधे का, तो ये तो डेड लीफ है वैसे भी ठीक है, तो ये खा गया तो खा जाने दो, कोई हरकत नहीं है, क्यों नहीं बनना है वो तो थोड़ा, हाँ इसलिए नहीं बनना है कि जो ऊपर की पत्तियां होती हैं इसी से प्रकाश संश्लेषण होता है,
ठीक है, नीचे की जो पत्तियां हैं उनसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जो ऊपर की 10-12 पत्तियां हैं बस उन्हीं से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है किसी भी प्लांट। नीचे की ये सारी पत्तियां, अगर ये सारी पत्तियां यहाँ से यहाँ तक पूरी आप तोड़ दो तो भी प्लांट बहुत हेल्दी और अच्छे से रहेगा, और अच्छे से रहेगा क्योंकि उसका लोड कम हो गया, लोड कम हो गया और इसके साथ जो और कीड़े या जो भी तकलीफें हैं वो भी सब आपने निकाल दी तो पौधा और अच्छे से ग्रोथ करेगा। नीचे प्लांट हमेशा भोजन बनाता है, पुरानी वाली पत्तियां वो तोड़ सकते हैं। हाँ, तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, लिटरेचर मिलेगा बिल्कुल। अभी देखो ये जो है ना यहाँ से अपना भोजन बनाएगा बस इतनी पत्तियों से, इसके नीचे की कोई काम की पत्तियां नहीं है। और ये पत्तियां आप देख लो, इनकी साइनिंग देख लो, इनमें कोई छेद नहीं है, ये हेल्दी है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर इन पत्तियों में छेद हो रखे हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमेशा आप ऊपर की तरफ देखोगे, अगर ऊपर की पत्तियों में कोई तकलीफ हो रही है तो फिर प्लांट में कुछ एक्शन रिएक्शन करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि ये देखो एक बात समझ लो, ये अरहर केवल आपकी नहीं है, ठीक है, इस पे आपका ना तो पेटेंट है ना ही इसको आपने मैन्युफैक्चरिंग किया है, ये नेचर की चीज है, नेचर ने इसको बनाया है, आपने खाली बीज डाला है तो बीज के बदले में आपको मिल जाएगा उतना, बराबर ना। तो ये इस पे सबका हक है, नेचर के सभी जीवों का हक है, तो इतने से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही इस पे कोई एक्शन रिएक्शन करने की जरूरत है। तो आप ये हमें लगता है कि हमें खैर एक स्प्रे तो करना पड़ेगा क्योंकि अब इसमें दाने आने लगे हैं और इस तरह के बादल होंगे तो बादलों में इल्लियां एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इल्लियां आने से पहले ही दवाई डाल देंगे तो हमें दो फायदा हो जाएंगे। हाँ, पहला ये फायदा हो जाएगा कि इल्लियों को मारने से हम बच जाएंगे तो पाप कम लगेगा, बराबर ना, और दूसरा ये होगा कि फसल नुकसान से पहले प्रिक्योर हो जाएगी, जब हम नीम ऑयल का स्प्रे स्प्रे कर देंगे तो उसकी गंध से इल्ली आएगी नहीं, तो हमने मारा भी नहीं और हमने रोका भी नहीं और आने भी नहीं दिया, हाँ, और फसल भी बचा ली। तो इस तरह से आपको करना, तो अभी ये सूझबूझ आप में होना चाहिए कि फल्ली बन गई है, दाना बन चुका है, मतलब अब उसको खाने की व्यवस्था इसमें हो चुकी है और ऊपर बादल होने लगे तो बादल जैसे ही होते हैं और इल्ली एक्टिव हो जाती है तो अब इल्ली आने वाली, तो आज ही आज के आज में ही आपको स्प्रे मारना है, ये आपकी सूझबूझ के दरमियान ही होता है। अब पता चला इल्लियाँ बहुत हैवी हो गई, छेद ही छेद दिखने लगे, तब आप एक्टिव हुए कि अब फसल जो है ना इल्लियों से खराब हो रही है, तो फिर आपको फिर जबरन पेस्टिसाइड इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम इसमें देखते हैं कंडीशन क्या बनती है, हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि बिना स्प्रे के इसको पूरा निकाल ले जाएं, और नहीं तो फिर एक स्प्रे हम नीम ऑयल का इसमें देंगे, बस उससे ही से हमारा काम इसका हो जाए। नीम ऑयल पेस्टिसाइड है कि वैसे कोई नहीं, नीम का तो तेल जो है नेचुरल है, आप निबोली से उसका क्रूड ऑयल निकाल लेते हैं, वही सीधा स्प्रे नीम के का लगे, नीम ऑयल यूज करते हैं। हाँ, नीम केक बनाने के लिए नीम केक का नीम केक खली होती है, वो उसको जमीन में डालना है सॉइल ट्रीटमेंट में, वो थ्योरी में लिखाएंगे, और नीम का जो ऑयल है वो स्प्रे में लेना है। एक लीटर का ऑयल 20 लीटर का पिट की बात की थी आपने, 20x50 फिट का पिट है। हाँ, वो रिचार्जिंग के लिए, वो लास्ट में कुएं के बाजू से बनना था तो वो आधा अधूरा रह गया और नहीं हो पाया उसका काम, तो वो हमें बनाना है अभी, ठीक है। ये दोनों प्लांट अपोजिट रहेंगे कि इसको जिगजैग पैटर्न में रखने हैं इसको, क्योंकि ये तो अरहर को प्लांट, हाँ, अरहर को, क्योंकि ये 10-12 फीट जाते हैं ऊपर में तो फैलते कर सकते हैं आप जिगजैग। ये असल में कचड़ा, यहाँ पे जो घास जैसे खूब ज्यादा हो गई, आपने उखाड़ के रख दी, फिर आपको इकट्ठा करना, तो इससे खींच लिया इस टाइप के लिए जुगाड़। इसमें जो रिचार्जिंग का टेक्निक है वो मल्टीलेयर में भी सेम है, सेम है रिचार्जिंग के लिए नहीं, उसमें हमने लेकिन पिट में पानी नहीं भरा, उसमें हमने क्या किया है कि रास्ते से पूरा पानी निकाल के उसको जाके ट्रेंच में डाला है और ट्रेंच को कनेक्ट कर दिया धान के लिए। इसमें ट्रेंच है लास्ट में देखिए 2 फिट गहरी, पर वो पूरी मिट्टी से दब गई हुई है, अभी उसको फिर से साफ करेंगे। वो नाली पक्की है, पाइप नहीं, बस ऐसे ही नाली में खोदना है, सिर्फ बारिश में ट्रेंच का काम। हाँ, बारिश में सबसे ज्यादा है ट्रेंच का काम, तो बारिश के पहले हम उसको साफ कर देंगे। सर इसके नीचे कौन कौन सी फसल लगेगी, इसके नीचे कौन कौन सी फसल लग सकती है इसके नीचे? अभी बताया था हमने, लहसुन हम इसमें ले चुके हैं, उसके बाद अभी और कोई फसल 20-22 दिन वाली कच्ची लहसुन नहीं, अभी जो सर्दी की बारिश के जहाँ छाया कम है वहाँ नहीं, बारिश लगा चना लगा, चना के अलावा मतलब जुलाई में बोला है तो मोटा पत्ती वाला मिर्ची वगैरह नहीं, हाँ, बारिश के
जुलाई नहीं, बारिश जैसे ही आई और तुरंत कर दीजिए आप, पौधा पहले से बना लीजिए। देखो आपके साउथ में जो है ना ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है, अभी हमने हैदराबाद में कई लोगों को दिया, बहुत अरहर लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस निकाला। तो कोलंबो बोल के लिया सेम ऐसे ही चाहिए। अच्छा नहीं, वो एक यहाँ पर सीहोर के एक भाई हैं, उनके पास इसका हाइब्रिड स्वरूप है, पर ये ओरिजिनल देसी स्वरूप है। इसमें भी हाइब्रिड निकाला इसमें, हाँ हाँ इसको कंटामिनेट इसमें किया है, पर ये सेम नहीं है, मतलब सेम चीज नहीं है, मतलब वो जो चीज है वो सेम नहीं है, वो उसमें दो कुछ चीजें इसमें से ली गई और बाकी और चीजें और दूसरी वेराइटियों से ली गई है। तो उसमें क्या होता है कि गुच्छे में फलती है वो, तो फलती तो ये भी गुच्छे में है, पर इसमें क्या होता है कि एक एक नोड बनता है, फिर एक नोड में तीन चार फलियां लगती हैं, ऐसे होता है, और इसकी हर गांठ में फ्रूटिंग होती है, उसकी हर गांठ में फ्रूटिंग नहीं होती, एकदम लच्छा यही बनेगा और एकदम से हाँ लच्छा का लच्छा बनता है। नर्सरी आप फरवरी के बाद लगा लीजिए, फरवरी में डाल दो, मार्च में डाल दो, अप्रैल में डाल दो, ये तीनों महीने में नर्सरी डाल सकते हो, और जुलाई में लगभग पौधा इतना बड़ा हो गया तो जाके उसको ट्रांसप्लांट कर दो। वो उसकी प्रोसेस है, थ्योरी में बताएंगे, पूरा प्रोसेस है सीड को तैयार करने का, सब बताएंगे। लगभग आधा फीट क्या, आधा पौधा लगभग, जैसे इतना तो आपका 6 इंच का तो वही रहेगी, नर्सरी का ही पौधे की साइज रहेगी, तो लगभग इतना और, मतलब इतना और कर दो तो पूरा ढक जाए, लेवल पे आ जाए मिट्टी के, बस बस बस। आपने इसमें 20 बताया था कि 3 बार कटिंग कर सकते हैं, 1 एकड़ के 3 बार भी कटिंग ले सकते हैं, आपने इसमें बताया था कि भाई 3 बार भी आप ले सकते हैं इसकी कटिंग। देखो वो टेम्परेचर के ऊपर है, 2 तो आएंगे आएंगे इसमें, टेम्परेचर अगर मान के चलो अनुकूल हो गया, और मान के चलो अभी आपने जैसे काट दिया और अभी एकदम से टेम्परेचर ठंडी में ही पिकअप हो गया है ना, कई बार होता है ना कि फरवरी में ही गर्मी आ जाती है और कई बार मार्च में भी ठंडी रहती है, तो अगर टेम्परेचर फरवरी में पिकअप हो गया तो ये अप्रैल में कट जाएगी एक बार फिर से, और फिर आप काट दो तो फिर जाके फिर जून में फिर कट जाएगी। दोनों मिला है कितना प्रोडक्शन होता है? 10 से 12 क्विंटल आइडियल जो है ना 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर, गर्मी में देना पड़ेगा लगभग महीने में एक बार तो देना पड़ता है। अभी फ्लावर के टाइम में देना पड़ता है? नहीं, फ्लावर आ चुके हैं फिर उसके बाद पानी नहीं देना, अगर दोगे तो फलियां और फूल दोनों आएगा। बारिश के काल में अभी जून में लगा, हां बारिश के बाद हमने 2 बार दिया ना, रेगुलर कर दो, एक बार फल आ गया फिर पानी नहीं देना है, फूल नहीं लगते, दूसरे क्रॉप में अलग होता है कि वो क्रिटिकल स्टेज होता है, इसमें ये उल्टा है, उल्टा है। मैं ये एक्चुअली जंगली क्रॉप है, ये अपने बॉडी के अंदर इतना पानी सहज के रख सकती है, ये फसल भी दे देगी और अगली फसल भी दे देगी। दूसरे में तो अगर फुल स्टेज में पानी नहीं दिया है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, उसमें पानी नहीं देना, पानी नहीं देना कर सकते हैं, पर इसका झाड़ इतना साफ जबरदस्त बनता है, वहाँ की मिट्टी हल्की है तो और जबरदस्त झाड़ बनता है, तो उतने से आप करोगे तो वो बहुत कॉम्पैक्ट हो जाएगा। अभी आप ये वाली रो में देखो तो दोनों पौधे आपस में सट गए हुए हैं, 6 फिट भी कम पड़ने लगा और ये फसल बनी नहीं है, अगर ये बनती तो ये मतलब 8 फिट भी कम लगता डिस्टेंस, ये आपस में सट जाती है ऐसा। तो आप 5x5 फिट पे लगाओगे अगर तो वो सही रहेगा, 5x5 फिट सर। सांबर वाली प्रॉब्लम है, पौधा है इनके बीच पहले हो जाएंगे सर और बाद के जो है लेट में होंगे, तो जैसे बाद में पक जाएगा तब तक शुरू कर तो झड़ने का इंडिया एक साथ पक जाएंगे, लेकिन ये जो नहीं है पूरे काट हो रही है, ये नहीं पकेगी तो ये डालियां आपको नहीं काटनी है, ये नीचे की है, ये ऊपर की आप देखोगे तो एक साथ सब मैच्योर होंगी, वही काटना है आपको, नीचे की छोड़ देना। सर गर्मी में पानी अपन ड्रिप से दें कैसे? ड्रिप लगी हो तो बेस्ट है, नहीं हो तो खुले से दें, कैसे पानी हाँ तो फिर ड्रिप लगा डेली देना है, ड्रिप पर पैसा लगता है? नहीं नहीं डेली नहीं,
आप अगर फ्लड से देते हो तो 15-20 दिन में एक बार भी देनी, या 20 दिन में, 25 दिन में, महीने के अंदर में दे दो, 20 से 30 दिन के बीच में एक पानी दे दो, बस इतना ही सफिशिएंट है। अगर ड्रिप है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दो, फिर हफ्ते में एक बार चला दो, ऐसा कर दो। जुताई को क्या लहसुन ना, लहसुन का तो हमने एक एक पोथी लगाया, ग्रीन हुआ, हरा इतना डंटल बना, उखाड़ के रख दिया क्या। ट्रैक्टर तो जब मेड़ा बना के फ्री हो गए फिर खत्म, ना फिर कुछ नहीं, चुपड़ी होती है ऐसा दिखता है तो अंडर ट्रैक्टर लेके चले जाते नहीं नहीं अभी इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं है। ये बेड हम चलाएंगे 2-2.5 साल तक इस बेड की कोई छेड़ा छाड़ी नहीं होगी, और बीच में भी नहीं, बीच में अगर फसल लेनी है तो फिर आप जुताई करके बो देंगे, जैसे हमने उधर बोई इधर चले बो दिए, उससे अगर आपको कुछ जोन है तो कर दो, नहीं बड़े होने की बात नहीं पावर के लिए तो ओके नहीं इसका लगा जाना तो बहुत करना पड़ेगा, तो बैलों से भी कर सकते हैं बड़ा हो पावर टिलर सबसे छोटी मशीन है, आप उससे कर सकते हो, नहीं तो फिर मैनुअली करो अगर कर सकते हो। खरीदना पड़ेगा, हाँ तो खरीद सकते हो, वो छोटा इंस्ट्रूमेंट है, सब्सिडी भी है उसमें, 50,000 रुपए में आपके घर पे। सर भूरी मिट्टी में पावर टिलर भूरी मिट्टी का जो है नहीं हमारा 9 HP 70,000 तो ये जो है भूरी मिट्टी में काम आ जाएगा, सभी तरह की मिट्टी में, सभी तरह की तो हमारे घर तो जैसे 1 इंच है, अगर हमारे घर तो सर 40-42 HP का जो ट्रैक्टर जुताई करते हैं 4 बार करते हैं, हैवी ट्रैक्टर से वो प्रेशर हो जाता है जमीन पर, फिर अब अभी क्या करो, खेत में बायोमास डालना चालू करो, मिट्टी धीरे धीरे भुरभुरी होने लग जाएगी, तो फिर आप छोटी ट्रैक्टर की प्लानिंग करो, ठीक है, और बड़े का मत सोचो और छोटे का सोचो, और मिट्टी को सुधार, एक साल में भी सुधर सकती है मिट्टी, पर उतना बायोमास मिट्टी को आप दो, थोड़ा वक्त लगेगा, अगर ज्यादा आपकी खेत में एसिडिटी है तो उसको डिटेक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, पर 1-2 साल में सुधार पे आने लग जाती है, उसके लिए थ्योरी में हम आपको बताएंगे, थ्योरी में ये सारे टॉपिक होंगे, अभी हम खाली आपको दिखाने के लिए लाए थे कि मेड़ा देखो, डिस्टेंस देखो, प्लांट देखो, ये वो सब देखो, बाकी ये सब थ्योरी उधर होगी। आप भी आ जाओ, एनर्जी भाई।